क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी DRS लेने के मामले में सबसे चालाक माने जाते हैं। ऐसी ही चालाकी एक श्रीलंका के खिलाफ देखने को मिली। दोस्तों आपको बता दो, जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी और दूसरे एंड पर बल्लेबाजी कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे में दोस्तों आपको बता दो, गेंदबाज की गेंद महेंद्र सिंह धोनी के पैड्स पर लगकर चली गई और गेंदबाज ने LBW की अपील की और एम्पायर ने उसे आउट दे दिया। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए 1 सेकंड से भी कम टाइम में रिव्यू लेने का फैसला ले लिया और अंपायर को कहा कि मैं रिव्यू लेने वाला हूं। इसे देखा अंपायर भी चौंक गए। दोस्तों आपको बता दूं, जैसे ही अंपायर ने टीवी अंपायर की तरफ इशारा किया रिव्यू का, तो स्क्रीन में देखने को मिला कि महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट है क्योंकि बॉल स्टंप्स को मिस कर रही थी, जिसके कारण अंपायर को महेंद्र सिंह धोनी को नॉट आउट देना पड़ा। दोस्तों आपको बता दूं, महेंद्र सिंह धोनी की ये चालाकी देखकर स्टेडियम में बैठे पूरे खिलाड़ी और गेंदबाज भी हैरान हो गया था। इतना जल्दी कोई खिलाड़ी कैसे रिव्यू ले सकता है? फिर भी महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए चीते से भी तेज रिव्यू ले लिया और उसी रिव्यू का पूरा योगदान भी हुआ भारतीय टीम को और साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी की विकेट भी बच गई भारतीय टीम के लिए। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, रिव्यू लेने के वक्त विकेट कीपिंग करने के टाइम भी महेंद्र सिंह धोनी सबसे तेज काम करते हैं। दूसरे खिलाड़ियों को देखे बगैर वो रिव्यू लेने का फैसला लेते हैं। ऐसे में इसीलिए युवराज सिंह के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी भी चालाक कप्तान माने जाते हैं रिव्यू लेने के लिए। तो दोस्तों आपको महेंद्र सिंह धोनी की ये चालाकी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और इसी क्रिकेट की खबरें के लिए सब्सक्राइब।